दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाइए। दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों भारतीय टीम के वर्ल्ड कप से बाहर होते ही सभी लोग काफी दुखी हैं और इसी बीच धोनी के संन्यास की चर्चाएं भी काफी तेज हो गई हैं। वैसे ये तो हम सभी चाहते हैं कि धोनी अभी संन्यास ना लें और भारतीय टीम से खेलते रहें, लेकिन अब वक्त बताएगा कि धोनी क्या फैसला लेते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय टीम को महेंद्र सिंह धोनी जैसा दूसरा खिलाड़ी कभी भी नहीं मिल पाएगा। उन्होंने भारत के लिए जो किया है वो आज तक कोई भी नहीं कर पाया है और ना ही कर पाएगा। हम सभी जानते हैं कि धोनी कितने महान खिलाड़ी हैं और अपनी बल्लेबाजी, विकेट कीपिंग और कप्तानी से भारत को उन्होंने कितने सारे मैचेस भी जिताए हैं। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि शायद भारत को एक ऐसा खिलाड़ी मिल गया है जो आगे जाकर भारतीय टीम को अपनी विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी से एक अलग ही स्तर तक पहुंचा सकता है। जी हां दोस्तों, और उस खिलाड़ी का नाम है अनुज रावत। आपको बता दें अभी अनुज मात्र 19 साल के हैं और रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 2017 में दिल्ली की तरफ से अपना डेब्यू किया था और अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने एक शानदार शतक भी लगाया था। और इतना ही नहीं, इससे भी जरूरी बात कि इसी मैच में उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग से विरोधी टीम के 4 बल्लेबाजों को भी आउट किया था, जिसमें से 3 बल्लेबाजों की उन्होंने स्टंपिंग की थी और एक को शानदार तरीके से रन आउट भी किया। इसके बाद दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने 21 फरवरी 2019 को डेब्यू किया था और उस मैच में भी उन्होंने अपनी शानदार विकेट कीपिंग के चलते अपनी टीम को वो मैच जिताया था। आपको बता दें कि अनुज अंडर 19 इंडियन टीम की तरफ से भी खेल चुके हैं और उसमें भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से तो अच्छा प्रदर्शन ही किया ही था, लेकिन उससे भी ज़रूरी ये है कि उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग से भी सबसे तगड़ा प्रदर्शन किया था। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में मुंबई के एक लोकल टूर्नामेंट में अनुज ने अपनी तीसरे ही मैच में आखिरी ओवर में बिल्कुल धोनी की तरह ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 21 रन ठोककर अपनी टीम को एक हारा हुआ मैच भी जिताया था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये अभी मात्र 19 साल के हैं और इतनी कम उम्र में ही इन्होंने अपनी विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी से सभी को चौंका दिया है। तो ऐसे में दोस्तों ये माना जा रहा है कि अगर ये डोमेस्टिक मैचों में और भी अच्छे प्रदर्शन कर दें तो भारतीय टीम में धोनी के बाद हो सकता है कि ये विकेट कीपिंग के तौर पर शामिल किए जाएं। लेकिन ऐसे में हो सकता है कि अगले 1-2 सालों में अनुज और भी अच्छा प्रदर्शन कर दें और भारतीय टीम में अपनी जगह बना लें। ये तो हम सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आने वाले कुछ सालों में अनुज को भारतीय टीम में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और वर्ल्ड कप 2019 से जुड़ी सभी न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइए, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, बाय बाय।